हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको रोटेशंस एवीएल ट्री के रोटेशंस बताने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवीएल ट्री क्या होता है और उसमें रोटेशन की जरूरत कब पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवीएल ट्री क्या होता है, उसे AVL ट्री क्यों बोलते हैं, AVL ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस होता है। ये सब जानने के लिए आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट राइट अप कॉर्नर में फ्लैश कर रही हूँ, तो वो पहले आप देखिए और फिर ये वाला वीडियो रिज्यूम कीजिए। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो अच्छी बात है, यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। बट इफ यू डोंट, तो पहले वाले वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो में आगे जाइए। तो चलो, मैं अभी ये मानती हूँ कि आपको AVL ट्री के बारे में एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पता है। तो AVL ट्री जो होता है वो बेसिकली डिपेंड होता है बैलेंस फैक्टर पे, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैलेंस फैक्टर, ये जो एक फैक्टर है वो डिसाइड करता है कि जो बनाया हुआ बाइनरी सर्च ट्री है वो AVL ट्री है या नहीं। तो इन शॉर्ट मैं अभी ये बताती हूँ आपको कि बैलेंस फैक्टर, अगर हर एक नोड का हमें चेक करना है, अगर वो -1, 0 या 1 है हर एक नोड के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्री बनाया हुआ है वो बैलेंस्ड है और AVL ट्री है। तो ये बैलेंस फैक्टर हमारा चेंज हो सकता है, जैसे कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंसर्ट एंड डिलीट ऑन द बाइनरी सर्च ट्री। क्योंकि क्या होता है, आफ्टर इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन स्ट्रक्चर जो होता है हमारे ट्री का वो चेंज होता है, हाइट चेंज हो जाती है, और जो बैलेंस फैक्टर होता है वो डिपेंड होता है हाइट पे। तो बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने वो प्रीवियस वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी मैं मानती हूँ कि आप लोगों को बैलेंस फैक्टर क्या है वो पता है, तो हम आगे निकलते हैं। तो चलो, अभी अगर हम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब हाइट हमारी ट्री का चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली बैलेंस फैक्टर भी हमारे चेंज हो रहे हैं। तो अगर हमारा जो अभी नया बनाया हुआ ट्री है आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्शन और द डिलीशन ऑपरेशन, अगर बैलेंस फैक्टर का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हर एक नोड से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन फिर भी हमारा ट्री जो है वो बैलेंस्ड AVL ट्री है। पर अगर आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन हाइट चेंज होने के कारण अगर बैलेंस फैक्टर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो इम्बैलेंस्ड ट्री जो है वो बैलेंस करना पड़ता है। वो बैलेंस करने के लिए जो ऑपरेशन और टूल यूज करते हैं उसे बोलते हैं रोटेशन ऑपरेशन। तो ये जो रोटेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, वो क्यों परफॉर्म करने वाले हैं, तो जो इम्बैलेंस बनाया हुआ ट्री है आफ्टर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, उसको बैलेंस्ड करने के लिए हम रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन ये होता है, रोटेशन इज नथिंग बट द ऑपरेशन वो हम यूज करने वाले हैं हमारा जो इम्बैलेंस बना हुआ ट्री है उसे बैलेंस करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारा इम्बैलेंस ट्री है वो बैलेंस करने के लिए हम रोटेशन ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। तो इसका अभी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है, रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द नोड्स टू आइदर लेफ्ट और राइट टू मेक ट्री बैलेंस्ड। क्यों यूज करते हैं,
तो हमें जो इम्बैलेंस ट्री है वो बैलेंस करना है, इसलिए हम रोटेशन ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्या होता है? तो रोटेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं? तो ये प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, तो हम जो नोड्स है हमारी ट्री के उसको मूव करने वाले हैं। कहाँ पे मूव करने वाले हैं? तो वो हम करने वाले हैं आइदर लेफ्ट और राइट को मूव करने वाले हैं। तो आई थिंक अभी आपको पता चल गया होगा कि रोटेशन क्या है। तो रोटेशन जो है, सबसे पहले ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नोड्स मूव करते हैं इन आइदर लेफ्ट डायरेक्शन और इन राइट डायरेक्शन। और ये सब हम क्यों करते हैं? तो हमारा जो इम्बैलेंस ट्री है वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि AVL ट्री जो है वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, तो ये ऑलवेज बैलेंस्ड ही होता है। अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द ऑपरेशन, वी नीड टू परफॉर्म रोटेशन ऑन दैट, और उसके बाद हमारा जो ट्री है वो फिर से बैलेंस्ड AVL ट्री बन जाता है। तो अभी देखते हैं हम कि रोटेशन के कितने टाइप्स है। तो बेसिकली जो रोटेशन है वो क्लासिफाई हुआ है दो टाइप्स में, और देर आर एक्चुअली फोर रोटेशंस। तो वो जो दो टाइप है वो क्या है? तो फर्स्ट वाला टाइप है वो है सिंगल रोटेशन, सेकेंड वाला टाइप है वो है डबल रोटेशन। अभी सिंगल रोटेशन जो है इसके फिर से दो टाइप है, वो है लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। उसके एब्रीविएशन है रिस्पेक्टिवली LL रोटेशन एंड RR रोटेशन। और जो सेकेंड वाला टाइप है डबल रोटेशन, उसके भी दो टाइप है। फर्स्ट वाला इज लेफ्ट राइट रोटेशन, सेकेंड वाला इज राइट लेफ्ट रोटेशन। तो फर्स्ट वाला का नाम है और एब्रीविएशन है LR रोटेशन, L लेफ्ट राइट रोटेशन, एंड द सेकेंड इज राइट लेफ्ट रोटेशन, दैट इज RL रोटेशन। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाला है। ये जो लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन होने वाला है वो आइदर डायरेक्शन में होने वाला है, एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, इसलिए ये जो दोनों टाइप है वो है सिंगल रोटेशन। पर ये जो रिमेनिंग दोनों टाइप है वो दोनों डायरेक्शन में वन बाय वन रोटेट होने वाले है इन द प्रॉपर सिक्वेंस। सो सबसे पहले लेफ्ट में रोटेट होगा, देन राइट में रोटेट होगा। दोनों रोटेशन एक ही ऑपरेशन में होने वाले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। और यहाँ पे अभी लास्ट वाले टाइप में पहले राइट में रोटेट होगा, देन लेफ्ट में होगा, इसलिए इसका नाम है RL रोटेशन। तो ये प्रोसेसेस जो होती है उसमें क्या करना होता है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल रोटेशन, LL रोटेशन। ये जो स्टफ दिया हुआ है थ्योरी, ये आप पढ़ लो पॉज करके, मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो पहला वाला है रोटेशन, ये है सिंगल लेफ्ट रोटेशन। अभी मान लो कि हमारे ट्री में हम जो डेटा इंसर्ट करने वाले हैं वो इन असेंडिंग ऑर्डर इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि अगर हम डेटा इंसर्ट करते हैं वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम जो बनने वाला ट्री है वो होता है स्क्यूड बाइनरी ट्री। तो ये जो अभी स्क्यूड बाइनरी ट्री है वो इम्बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस फैक्टर जो है वो -2 है, जो कि अलाउ नहीं है हमारी AVL ट्री में। तो हमें ये बैलेंस करना है। जो हमारा ट्री है अभी ये वाला राइट साइड में इम्बैलेंस है, इसलिए हमें इसे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए हमें यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो है 3, हम लेफ्ट को मूव करेंगे वो ले लेगा 2 की पोजीशन, 2 हम और लेफ्ट मूव कर लेंगे वो ले लेगा 1 की पोजीशन, और हमें 1 जो है वो 1 लेफ्ट को मूव करना है तो 1 ले लेगा हमारा 2 के लेफ्ट चाइल्ड का पोजीशन। ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो आर हमारा ट्री बन गया है वो हमारा अभी बैलेंस ट्री है, जहाँ पे बैलेंस फैक्टर हर एक नोड का 0 है। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द लेफ्ट रोटेशन ऑपरेशन हमारा जो ट्री बन गया है वो बैलेंस है, और हम अभी बोल सकते हैं कि हमारा बना हुआ ट्री AVL ट्री है।
अभी हम दूसरा वाला रोटेशन देखते हैं, सिंगल रोटेशन, वो है राइट रोटेशन। ये भी स्टफ आप बाद में पढ़ लीजिएगा, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड ऑल दिस स्टफ। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहां पे मैंने अभी जो डेटा लिया हुआ है वो है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के बाद भी हमारा जो ट्री है वो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्रिएट हो रहा है। अभी ये स्क्यूड बाइनरी ट्री है, बैलेंस्ड ट्री नहीं है। आप ये देख सकते हो कि ये नोड, रूट नोड का बैलेंस फैक्टर 2 है जो कि अलाउ नहीं है। तो ये हमारा ट्री है इम्बैलेंस्ड ट्री है। ये वाले ट्री को फिर हमें बैलेंस करना है। इम्बैलेंस जो हो रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब हमें ये सारे नोड वन बाय वन राइट डायरेक्शन को मूव करने होंगे। सो हम वन को मूव कर लेंगे राइट डायरेक्शन में, तो वन लेगा टू की पोजीशन। टू को हम मूव करेंगे राइट डायरेक्शन में, तो हमारा टू जो नोड है वो भी ले लेगा थ्री की पोजीशन, और जो हमारा नोड थ्री है वो थ्री ले लेगा राइट चाइल्ड ऑफ टू की पोजीशन। तो ये सब करने के बाद, ये जो इम्बैलेंस था उस पे हमारा रोटेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो ट्री बन रहा है वो बैलेंस ट्री बन रहा है। आप देख सकते हो हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर जो है वो है 0 और वो अलाउ है, इसलिए हमारा ट्री जो बन रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग आरआर रोटेशन वो है एवीएल ट्री विच इज बैलेंस्ड ट्री। तो आपने देखा कि सिंगल रोटेशन क्या होता है, जो दोनों एग्जांपल में हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट किया है और नोड्स मूव किए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डबल रोटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम पहला रोटेशन देखते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन। अभी ये वाला भी स्टफ प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। आई विल गो फॉरवर्ड टू डायरेक्टली द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि रूट नोड को लेफ्ट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड को ओनली राइट चाइल्ड है, तो ये जो हमारा ट्री है ये इम्बैलेंस्ड ट्री है, क्योंकि रूट नोड 3 का बैलेंस फैक्टर है 2, जो हमारी एवीएल ट्री में अलाउड नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो ये जो हमारा सब ट्री है सबसे पहले हम इसको मूव करेंगे। तो हम 2 को मूव करेंगे इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड 1 को मूव कर लेंगे अगेन इन लेफ्ट डायरेक्शन एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, 2 को हम मूव करेंगे यहाँ पे, 1 को मूव कर लेंगे एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2। तो हमारा ट्री ऐसे दिखेगा। अभी आप देख सकते हो कि लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वहां पे यही ट्री बनाया हुआ था और वो जो था इम्बैलेंस इन लेफ्ट डायरेक्शन, इसलिए हमें वो रोटेट करना है राइट डायरेक्शन में बाय परफॉर्मिंग द आरआर सिंगल राइट रोटेशन। वो परफॉर्म करने के बाद जो हमारा ट्री बन रहा है वो है हमारा बैलेंस्ड ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने सिंगल लेफ्ट रोटेशन किया, उसके बाद हमने सिंगल राइट रोटेशन किया, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 लेफ्ट रोटेशन एंड 1 राइट रोटेशन। सो दो रोटेशन और दो डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये जो है वो डबल रोटेशन है, लेफ्ट राइट रोटेशन, पहले लेफ्ट देन राइट, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है हमें वो है बैलेंस्ड ट्री और एवीएल ट्री। अभी ये वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो, नाउ अदर वन इज राइट लेफ्ट रोटेशन। ये भी स्टफ आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। तो ये जो रूट नोड है उसका राइट चाइल्ड है और उसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये इम्बैलेंस है। तो जो हमारा 2 है हम उसको पहले राइट डायरेक्शन में मूव कर लेंगे, 3 को भी राइट डायरेक्शन में मूव कर लेंगे, तो हमारा ये ट्री ऐसे बन जाएगा जो हमारा सबसे पहला वाला एग्जांपल था। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला राइट रोटेशन। अभी ये वाले ट्री पे हम पहले अब परफॉर्म करेंगे लेफ्ट रोटेशन, इसलिए वो करने के बाद जो हमारा ट्री बन रहा है वो है हमारा बैलेंस्ड ट्री। तो पहला था राइट रोटेशन, दूसरा था लेफ्ट रोटेशन, ये हो गया डबल रोटेशन, सीक्वेंस आर एंड लेफ्ट, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये थे सारे रोटेशंस और उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स। होप आपको ये सब समझ में आया है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए।
अगर आपको इसके कंटेंट्स पसंद आए हैं तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।